नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। कुछ दिन पहले तक ईडी का काफ़ी अपडेट आ रहा था और वहीं आज हम ईडी कार्यालय में मौजूद है, ईडी कार्यालय के बाहर पहुँचे हैं। और जैसा कि पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है, पूजा सिंघल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले तक जो 3 जिलों के DMO हैं उनको समन भेजकर तलब किया गया था कि वो ईडी कार्यालय पहुँचे, और जब वो ईडी कार्यालय पहुँचे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली, काफ़ी ज़्यादा सुनने को कुछ मिला, दस्तावेज़ मिला। उसके बाद ईडी की छापेमारी कई जगहों पर हुई, कई लोगों के घर पर ईडी की जो छापेमारी है वो हुई। आज फिर वहीं दूसरी तरफ ईडी कार्यालय की हलचल बढ़ चुकी है और आज ईडी कार्यालय में हलचल मचा हुआ है। और वहीं 7 जिलों के DMO को, खनन पदाधिकारियों को समन भेजकर तलब किया गया था कि वो ईडी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उससे पहले प्रेम प्रकाश 5 मिनट के लिए ईडी दफ्तर आए और ईडी दफ्तर से चले गए। और 3 जिलों के जब DMO खनन पदाधिकारी साहेबगंज, पलामू और पाकुड़ के जो DMO है वो ईडी कार्यालय पहुंचे तो काफ़ी कुछ दस्तावेज हासिल जानने को मिला, काफ़ी कुछ CRPF के जवान भी तैनात थे। उसके बाद से आज हम ईडी कार्यालय पहुँचे, आपको हम अपने विजुअल के माध्यम से दिखाए कि आज हम ईडी कार्यालय में पहुंचे हैं और यहां पर हलचल मच चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूजा सिंघल से जुड़े हर एक अपडेट को हम आपको दिखा रहे हैं और पूजा सिंघल जो है अभी होटवार जेल में है। बाकी कैदियों को, हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि बाकी कैदियों को जब सुविधाएं नहीं दी जाती है सही से तो उनको भी कैदी की तरह रखें, उनको अपर डिविजन सेल में क्यों रखा जा रहा है। पूजा सिंघल को ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी सुविधाएँ दी जा रही है, AC और बेड की सुविधाएँ दी जा रही है, वो अच्छे से रह रही है। पल पल की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे GN भारत के साथ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।